बहुत सारी बातें हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली 17 या 18 तारीख के लाइव में मैं बड़े भैया को कुछ अपशब्द मैं बोला था, लेकिन ये जो अपशब्द थी, ये अपशब्द ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग था या कुछ ऐसा था वैसा था, ऐसे कुछ बातें नहीं थी, बल्कि ये उस सिचुएशनल कंडीशन थी, वो कंडीशनल वो वर्ड था। और मुझे लगता है कि उस कंडीशन में अगर बड़े भैया के पास उस तरह की सोचनीय क्षमता होती तो इस बात को बुरा वो मानते ही नहीं। बड़े भैया का कॉल भी आया अभी, हम चाहें तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल भी कर सकते हैं। करीब करीब 19-20 मिनट का वो कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने उनको ये वादा भी किया कि भैया इस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं किसी को सुनाऊंगा भी नहीं, मैं वायरल नहीं करूंगा। तो वायरल करने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, संभव ही नहीं है कि मैं वायरल कर दूं। इसको शेयर कर दीजिएगा और कोशिश हो, जैसे भैया जब सुने इस चीज़ को, मेरे इस लाइव को, तो शब्द में भैया बहुत गहराई में जाइएगा ठंडा पानी पी करके, और अस्टार्डम को साइड कर दीजिएगा, अस्टार्डम को हटा करके, और उसके बाद सुनिएगा इस बात को और सोचिएगा एक भाई के रूप में, एक उस भाई के रूप में, एक उस इंसान के रूप में जब आपने संघर्ष के दिनों में गुजारा, तब आपको भी एहसास होगा कि जो भी हम नहीं तूफ़ानी भैया के बारे में, तूफ़ानी भैया के बारे में लाइव हम नहीं बोल रहे हैं अभी, जो भी ये लाइव जो बोल रहे हैं उनसे भी बड़े भैया हैं, और सबको पता है कि मैं इंडस्ट्री में किनको बड़ा भैया मानता हूँ, ये बात आप सबको पता है। तूफ़ानी भैया तो चलिए आप सबों की दुआओं के बदौलत अभी बहुत अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है, जैसे उनका बार बार एक चीज़ फोर्स था कि तुमने मेरी माँ को गाली क्यों दिया, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। हमने उनसे बस सिंगल ही शब्द पूछा था कि भैया गाली दिया ये गलत है, ये बात मैं भी मानता हूँ, किसी को भी, आपकी माँ कोई अलग नहीं है, हमारी माँ कोई अलग नहीं है। लेकिन जिस कंडीशन में मैं था, अगर आप उस कंडीशन को सोचें, उस कंडीशन को महसूस करें, तो आप शायद ये क्वेश्चन हमसे पूछते ही नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन पूछने के बजाय आप सीधा ये बोलते कि हाँ बताओ कैसा है वो, उसका क्या स्थिति है। आप सीधा, आप डायरेक्ट ये इन शब्दों से आप आज की वार्तालाप या कभी भी वार्तालाप की शुरुआत करते हैं। लेकिन चलिए, आपको जो भी बातें हैं, आपको जो उचित लगा, जो आपने कहा, आपने ये भी बात कहा कि तुम जो भी लाइव आते हो उसमें नीचे कमेंट पढ़ लिया करो कि उसमें तुमको कितनी गाली मिलती है। भैया हम उस समय भी आपको टेलीफोन पे भी मैंने कहा, जो बातचीत हुई कॉल पे उस पे भी मैंने आपको कहा कि मुझे उन गालियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस गालियों को सुन करके, जो गालियाँ सुन करके अगर किसी की जान को बचाने में या किसी की दर्द को बांटने में अगर कोई मुझे गाली दे तो फ़र्क नहीं पड़ता भैया, मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बड़े भैया लाइव भी आए हुए थे, मैं उनका लाइव भी सुना। अब जो बातें यहाँ पे आगे की जो बातें हैं वो ये कि तूफानी लाल यादव ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है, ये बड़े भैया का कहना था। मेरा कहना है कि तूफानी लाल यादव जी ने आपकी ज़िंदगी में ठीक है कुछ नहीं किया, तूफानी लाल यादव के लिए नहीं, एक भोजपुरी, एक इंसानियत, इसके नाते आप यदि कुछ भी, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ पैसे की बात की जा रही थी भैया, आप एक होता है क्या ना, बहुत तरह की चीज़ें होती है, इंसान की जो मानसिक अवस्था जो होती है, इंसान की जो मानसिक अवस्था जो होती है या मेंटल जो प्रॉब्लम होता है, टेंशन का होता है, या बहुत तरह की, इंसान बहुत सारी परिस्थितियों में झगड़ करके वो
हताश हो जाता है तो उस वक्त उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार अपनी सलाह दे करके, अपनी सहानुभूति दे करके, और ये बातें सिर्फ सहानुभूति दे करके अगले इंसान को बहुत सारा ताकत दिया जा सकता है और उस संघर्ष के और उस मुसीबत से उबारा जा सकता है। भैया बार बार ये बात बोल रहे थे कि पैसे पैसे, क्या एक तूफान लाल यादव ही है बिहार में या कहीं भी? बहुत सारा गरीब है, तुम उसको क्यों नहीं कर रहे हो? हम कहते भैया को, हम आज भी हम बोल रहे हैं कि भैया आपका कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ तूफान लाल यादव ही मुसीबत में नहीं है, बल्कि और भी लोग मुसीबत में हैं। भैया जब भी मेरे पास आती है किसी भी तरह की बातें, जहाँ तक बन पड़ता है वहाँ तक ज़रूर करते हैं। बात तूफान लाल यादव की आती है तो उनके प्रति हम ये चलते बोले कि तूफान लाल यादव भी एक ऐसा इंसान है जो बहुत लोगों को कोऑपरेट करता है, बहुत लोगों को मदद करता है। शायद भैया आपको, आपका कहना था कि मैं तूफान लाल यादव को नहीं जानता हूँ, तो ये आपके लिए शर्म की बात है भैया कि आपको कोई लोग करता है और आप उस बात को भूल जाते हैं। तूफान लाल यादव ने आपके लिए क्या किया होगा ये बात न हम जानते हैं, न आप जानते हैं, न तूफान लाल यादव जानते हैं, ये आपका हृदय जानता है। और हम क्या कहें, किसी को ज़बरदस्ती भैया कुछ नहीं बताया जाता है कि कौन क्या किया। आपके लिए तो सुबोध अकेला ने भी कुछ नहीं किया, आपके लिए वो बहुत सारे लोग हैं भैया। चलिए जो आपको उचित लगा, आपकी ये भी बात कि क्या कहें, बहुत सारी बातें आप किस रूप में लेते हैं। आपका कहना था कि तुम मुझे गाली दे करके स्टार बनना चाहते हो। मैंने आपको ये भी बोला कि भैया स्टार बनने की अगर बात होती तो हर सप्ताह में मैं आपको गाली देता। स्टार बनने की बात होती तो मैं डायरेक्ट अमिताभ बच्चन जी को अपशब्द बोलता। स्टार बनने की बात होती तो आपसे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनको ये बात बोलता। आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं भैया, आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं? क्या आप वेन डीजल हो गए? ऐसा नहीं ना भैया, ये चीज़ें कभी भी अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता है। स्टार बनने की ऐसा थोड़े है भैया कि हम आपको गाली दे करके आपके अंदर जो खूबी है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको हम गेन कर लेंगे, या आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो गाली दे करके, गाली सुन करके वो मेरे तरफ मुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है भैया, बल्कि गाली देने से, गाली कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गाली देने से मेरे भी फैन फॉलोअर्स घट जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये चीज़ पता नहीं आप कैसे सोच लिए या कैसे सोचते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बार बार आप जो ये बात स्टारडम और दूसरी चीज़ की, आपका ये भी कहना था कि जिस समय तूफान लाल यादव ने अंतरा सिंह प्रियंका को लेकर के उल्टा पुल्टा गाली दिया था और गाना बनाया, उस समय तुमने अंतरा सिंह प्रियंका के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? भैया तो उस समय आप भी तो थे, आप भी खड़े हो जाते अंतरा सिंह प्रियंका के लिए। आपसे भी ज़्यादा हम महान उस अंतरा सिंह प्रियंका को मानेंगे ना, जो अपनी सारी गिले शिकवे को भूल करके, और जब तूफान लाल यादव जी की तबीयत खराब हुई तो अंतरा सिंह प्रियंका ने भी पोस्ट किया कि नहीं तूफान लाल यादव जी की जल्दी स्वस्थ हो जाए। अंतरा सिंह प्रियंका का भी पोस्ट आया था। एक बात और कहना था बड़े भैया का कि तुम बार बार लाइव आते हो, लाइव आकर के तुम बोलते हो, उनके घर के परिवार वाले लोग क्यों नहीं लाइव आते हैं मदद मांगने के लिए? उनके घर के परिवार वाले लोग आए हैं लाइव या नहीं आए हैं? अभी उनके बड़े भैया मेरे पास हैं। भैया बताइए, क्या आप लाइव आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, हम लाइव आए थे, शुरू में लाइव आए थे। बताइए, बार बार हमको लाइव आने का फुर्सत नहीं मिलता था, हम लाइव आए थे। तो ये जो चीज़ें हैं, कभी भी ये चीज़ सिर्फ अपनी, ऐसा नहीं है भैया कि आपको आदमी को टारगेट करके क्यों आपसे, ऐसा थोड़ी है भैया कि आपको गाली दे करके संतोष रेणु 50 फिल्म साइन कर लिया, या आपको गाली दे करके संतोष रेणु को 1 करोड़ रुपया मिल गया। आपको गाली देने के बाद मुझे गाली ही पड़ी है, ये बात आपको भी पता है, ये बात हमको भी पता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सिर्फ किस वजह से मैं बोलता रहा, क्यों बोलता रहा, आपको ये शायद पता नहीं हो भैया। ये बात आप सोचिएगा तब आपको एहसास होगा। और स्टारडम की जहाँ तक बात है, भगवान करे आपके स्टारडम बनी रहे,
हम उसके लिए कभी नहीं, गर्व ही होता है ना। आपके आने से भोजपुरी इंडस्ट्री दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ी। आपका ये भी कहना था कि तुमने सिर्फ हमको टारगेट किया, भोजपुरी के और कोई स्टार नहीं है क्या जो कि सबको मदद करना चाहिए? बताइए एक बात कि हमने आपको बोला, क्या हमने पवन भैया को नहीं बोला है? क्या हमने मनोज भैया को नहीं बोला है? क्या हमने रवि भैया को नहीं बोला है? क्या हमने दिनेश भैया को नहीं बोला है? हमने किसको नहीं बोला है? ये बात आपको भले लगता है, हाँ आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी, ये चलते आपसे जो उम्मीदें थी भैया कुछ ज़्यादा थी, आपसे कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद कर लिए थे। आपसे कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद थी कि नहीं भाई चलिए, चूँकि आप सबकी मदद करते हैं तो यहाँ पे सबकी मदद करते हैं तो यहाँ पे भी शायद आपको पता नहीं हो तो कम से कम एक मैसेज कर दें। हमने तब जा कर के मैसेज किया आपको। आपका कहना है कि हमने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रखा है आप तुम्हारी आदतों से। चलिए, क्या मैंने कभी अपने लिए कभी कुछ मांगा आपसे भैया? क्या आदत थी? आदत क्या थी? आदत तो बता दीजिए, पूरी पब्लिक के सामने बता दीजिए ना। क्या संतोष रेणु ने कभी अपने लिए कुछ मांगा? कभी एक पैसा सिक भर मांगा? कभी अपने लिए संतोष रेणु नहीं मांगता है, जब भी कुछ कहा होगा। और अभी जो आप बार बार कॉल करा रहे हैं मेरे लाइव में, हम समझ रहे हैं कि आप लाइव को इंटरप्ट करना चाहते हैं, हमें भी बात समझ रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होगा? लास्ट में अपनी बातों को हम वीडियो बना करके डाल देंगे, क्या करेंगे? अब आपसे लड़ तो नहीं सकते ना भैया, ना आपसे ज़्यादा ताकत हमारे पास है, ना आपसे ज़्यादा धन संपत्ति है, ना आपसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमारी है। आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि एक मिनट में किसी भी इंसान को यदि 5000 गाली दिलवाना हो तो वो इंसान हमारे बड़े भैया से संपर्क करे, एक मिनट में 5000 गाली उसको आराम से पड़ जाएगा, चाहे वो कमेंट में हो या लाइव में हो या जा करके वो कमेंट क्या बोलते हैं यूट्यूब पे गाली सुनवाना हो, एक मिनट में। आप जब विनय बिहारी जी को नहीं छोड़ सकते जो कि उस लेवल के इंसान है, तो आप हमको क्या छोड़िएगा भैया? आप पब्लिसिटी की बात करते हैं, पब्लिसिटी की बात करते हैं तो मैं चाहूँ या कोई भी इंसान यदि चाहे, अगर हमसे उसको पब्लिसिटी पाना हो, मैं आपसे चाहूँ पब्लिसिटी पाने के लिए, तो अगर गाली देकर पब्लिसिटी पाना हो भैया तो आसानी से पा सकता है। किस ईगो में आप जी रहे हैं? लाइव आ करके आप थोड़ा सा ऐसे करके आँख पोछ लिए तो बहुत, इसका मतलब कि आपके दिल में बहुत दर्द है। कभी ये आँख आपके लिए भी आंसू गिराया था, लेकिन शायद आप उस बात को समझ नहीं पाए क्योंकि आप सेल्फिश हैं। आपका कहना है कि 10% हॉस्पिटल का हम कम करा देंगे, भैया सिर्फ आप ही की कैपेसिटी नहीं 10% कम कराने की, बच तो जाएगा इंसान तब तो कम करवाइएगा, इंसान बच जाएगा तब तो कम करवाइएगा भैया। आप जैसे जैसे भैया, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते या अभी भी चाहेंगे तो कम हो जाएगा। आपसे और हमसे बेहतर वो इंसान है जो 10 रुपया का मदद किया था उस तूफान लाल यादव को आज ऑक्सीजन के रूप में। आपका ये भी कहना था कि तुमने क्या किया, तुम 10 कट्ठा बेच देता। भैया अगर मेरे पास 10 कट्ठा होता ना तो हम आपको नहीं कहने जाते, या जब मेरे पास होता ना 10 कट्ठा तो हम भीख नहीं मांगने जाते भैया पब्लिक से। हमारे आसपास के लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, हमारे आसपास के लोग भी, जो मेरे गांव या मेरे जो नज़दीक के लोग हैं वो भी सुन रहे हैं कि संतोष रेणु यादव की आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी उस आर्थिक स्थिति के दरकिनार करते हुए मैंने उसको भी, उसके ऊपर भी अपना पांव रखते हुए, उसको भी कुचलते हुए मैंने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत किया, और मानसिक स्थिति को मजबूत करके तब मैंने आगे बढ़ा। और ये आपकी वजह से नहीं हुआ भैया, ये आपका देन नहीं था। भोजपुरी के वो श्रोता जो आपको भी स्टार बनाए हुए हैं, जो आपको भी भगवान मानते हैं, और आप भी उनको भगवान मानते हैं, और हम भी उनको भगवान मानते हैं, पूरी कलाकार उनको भगवान मानते हैं, उनका देन है कि आज तूफान लाल यादव आज सांस ले रहा है, और तूफान लाल यादव आज एक चम्मच कम से कम जूस पी रहा है।
किसी आपकी दिन नहीं है, किसी हमारी दिन नहीं है। हम तो हर बार कोई लोग आ जाए, कोई लोग आ कर भैया कोई भी प्लीज़ कॉल नहीं करें अभी, कोई लोग ये बोल दें कि हाँ लाइव में आकर के मैंने कभी ये बोला कि मैंने तूफान लाल यादव को ये कर दिया वो कर दिया, हमारी क्या औकात भैया, हमारी क्या हस्ती है जो मैं कर दूँ। इस हॉस्पिटल के इतना जितना बिल आता है ना भैया, इस हॉस्पिटल में एक दिन का जितना बिल आता है उतने बिल में मेरा परिवार 5 साल तक खाता है। और हम आपसे क्यों भैया जाएंगे ये करने के लिए, क्यों, क्या हमको मतलब है भैया, हमारी उतनी हस्ती है क्या आपको लगता है? और जिस दिन हमारी हस्ती आप जैसी हो जाएगी ना तो हम पब्लिसिटी नहीं करेंगे आपके जैसे कि जा कर के 10,000 का कंबल बांट दिए और बोले कि 50 लाख का बांट दिए हैं, वो चीज़ें वो काम हम नहीं करेंगे। चलिए जो आप सोचते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये भी बात बोला, आखिरी जो बातें हुई आपने ये भी बोला कि ये बातें करना बंद करो और नहीं तो DSP या कुछ DCP आप कुछ बोल रहे थे कि उस वो तुमको झेलना पड़ जाएगा, मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भैया ये बात भी हमने उस वक्त भी आपको बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि खुल्लम खुल्ला मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको गाली देने से या मेरे पिताजी को गाली देने से या मेरे खुद को गाली देने से यदि किसी इंसान की जीवन बच जाती है तो आप मुझे DCP से पकड़वाइए, मुख्यमंत्री से पकड़वाइए, प्रधानमंत्री से पकड़वाइए, डायरेक्ट फांसी पे चढ़वा दीजिए, मैं वो काम करता रहूँगा। आपकी जितनी औकात है आप लगा लीजिए, मेरा फैसला है जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं पब्लिसिटी नहीं करता हूँ भैया। 10,000 रुपया मैं भी चाहूँ तो इधर उधर से व्यवस्था करके और मैं 50 लाख का मैं शो कर दूँ, लेकिन मैं आपको सम्मान करता था, सम्मान करता हूँ और सम्मान करता रहूँगा। जहाँ तक बात है आपकी माँ के बारे में तो आपकी माँ को मैं उस वक्त भी मैं चरण स्पर्श करता था, आज भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। हाँ, अगर मैं अपनी माँ को या आपकी माँ को गाली दिया, ये बात मैं उस इंटरव्यू में भी मैंने सॉरी बोला था, मैं आज भी सॉरी बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बड़े भैया, अपनी माँ से, जिनके कोख से आपने भी जन्म लिया है, जिनके कोख से तूफान लाल यादव जी ने जन्म लिया, जिनके कोख से मैंने जन्म लिया है या जिनके कोख से पूरी जो जनता जनार्दन है उन्होंने जन्म लिया है, मैं हर माँ के कोख को हर माँ से मैं माफ़ी मांगता हूँ उस शब्द के लिए जो शब्द मैंने यूज़ किया था, लेकिन मैं आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि आप माफ़ी देने लायक भी नहीं हैं और माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हैं। आप जो आप जितना युगों में आप जीते हैं, मैंने तो बहुत लोगों को बहुत कुछ बोला, सब लोग क्यों नहीं कुछ बोले, क्योंकि सब लोगों को कम से कम एहसास था, दिल में दर्द था कि नहीं भाई चलो एक इंसानियत के नाते। लेकिन आपको भैया मैं सच्चाई बताऊं तो आपको क्या है, किस बात का ईगो है ये मैं भी जानता हूं, किस बात का टेंशन है ये मैं भी जानता हूं, आपको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। सच्चाई ये भैया कि आप जैसा इंसान हर बार यही सोचता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई ना रहे, अगर वो इर्द गिर्द आ भी गया तो उसको पैर खींच करके नीचे घसकाओ उसको, सच्चाई बात यह है। वरना आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये हमें भी मालूम है, और छोटे भाई के लिए आपका क्या प्यार होता है और क्या आप त्याग कर सकते हैं, ये बातें आज के विगत मात्र 15-20 दिन पहले भी मुझे पता चला है, इंडस्ट्री को भी पता चला है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी घटना का, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ एक छोटा भाई के नाते। आपका कहना था ना कि तुमने लाइव में आकर के ऐसा बोला, मैं इस बार दोबारा मैं जो लाइव आया हूँ ना भैया, ये लाइव आपकी वजह से मैं आया हूँ, चूँकि आपने भी लाइव आकर के सारी बातों को बोल रहा था, आप बोल रहे थे ना लाइव में हम उसका नाम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे वो नहीं, हम भी आपका नाम नहीं लेंगे। नाम लिया कभी बार आपका? नहीं लिया ना भैया। जब दिमाग की बात होती है ना भैया, दिमाग की, तो इतना तो है भैया कि जब दिमाग जब चलना शुरू कीजिएगा तो भैया आपसे कम दिमाग नहीं है, आपसे कम दिमाग, हर किसी का वक्त होता है भैया। आपसे भी पहले कुछ सुपरस्टार थे, उन सुपरस्टार के पहले भी कुछ सुपरस्टार थे,
आपके बाद भी कोई सुपरस्टार बनेंगे और उनके बाद भी कोई सुपरस्टार बनेंगे। तो ये चीज़ें बार बार कहना, सुपरस्टार सुपरस्टार वाली बात जो आपके जुबान पे जो आती है ना, ये भैया अच्छा नहीं है। क्योंकि ये पब्लिक ही हैं जो सबको सुपरस्टार बनाती हैं और सबको नीचे की ओर धूल में भी घोलटा देती हैं। और ऐसा नहीं है, आपका ही कहना है ना, आपका ही कहना है कि तुमको कौन जानता है। आपका कहना था ना, आप मूर्ख हैं, आप चपाट हैं, आपको पता नहीं है। कोई एक ऐसा वक्त था जिस वक्त संतोष रेणु यादव भी सुपरस्टार था, समझे? कोई एक ऐसा वक्त था जिस वक्त संतोष रेणु यादव भी सुपरस्टार था। और हमारी आज आपसे ये पहली भिड़ंत नहीं है। आप याद कर लीजिए, राजगीर का वो घटना कैसे भूल गए? उस वक्त भी आपके ईगो के वजह से ही मैंने आपका क्लास लगाया था वहाँ पे भी, सिर्फ आपके ईगो के वजह से। आप ठीक है, बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़ा आपके पास पैसा है, माता रानी करे और आपको दें, माता रानी करे आप और ऊपर जाएं भैया। ये मैं हृदय से बोल रहा हूँ, मैं माँ कसम खा करके बोल रहा हूँ। कभी मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ। अगर मैं किसी के बारे में गलत सोचता ना, तो ये आपको भी पता है। चलिए हटाइए, बस यही चीज़ें हैं। और हम क्या कहें, बाकी जो भी चीज़ है, जो आपको लगा उचित लगा आपने कहा, बस माता रानी की कृपा से बस यूं ही आप बढ़ते रहिए, बनते रहिए। और हम क्या कहें, हम सैल्यूट करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस मुसीबत के वक्त में लोगों ने मिल करके, एकत्र हो करके और दो पैसा चार पैसा करके तूफान लाल यादव जी की ज़िंदगी वापस दी है। मैं उन सभी लोगों का मैं कर्ज़दार रहूँगा, ज़िंदगी भर कर्ज़दार रहूँगा। और कभी भैया मैं भगवान से नहीं मनाता हूँ कभी आपको कष्ट आए, लेकिन जब आपको भी कभी कष्ट आएगा तो उस वक्त भी चाहे आपसे 1,00,000 झगड़ा हो जाए, लेकिन उस वक्त भी मैं खड़ा रहूँगा। आपके लाख मना करने के बावजूद मैं उस वक्त खड़ा रहूँगा जब आपको कष्ट आएगा। लव यू, आपको सलाम, आपको सैल्यूट। बस माता रानी ये कर दे कि आपकी जो एटीट्यूड है, जो ईगो आपकी है, वो थोड़ा सा कम कर दे माता रानी, बाकी सब कुछ अच्छा है। बोलने के लिए बहुत कुछ बातें बोल सकते हैं भैया, बहुत कुछ बातें, सच्चाई बहुत कुछ बातें हम कह सकते हैं, जो सच बिल्कुल सत्य होगी, 100% सत्य होगी, 24 कैरेट सोना जैसा वो सच होगी, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आपका कहना है ना कि हम तुमसे कभी अकेले में मिलेंगे, आप अकेले में भी मिलेंगे तो इसी विचार के साथ आपसे मिलेंगे, या कभी मिले भी हैं तो इसी विचार के साथ मिले हैं, आप भीड़ में मिलेंगे फिर भी इसी विचार के साथ मिलेंगे। जुबान मेरा कड़वा होगा लेकिन आपके लिए रिस्पेक्ट हर वक्त होगा। आप मुझे चाहे तो कुछ जो सोचें, आपकी थिंकिंग है, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, चूँकि आप बार बार ये बात बोल रहे थे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मैं एक बात मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर भैया आपको थोड़ा सा भी अपशब्द कहने से, मेरे पिताजी को अपशब्द कहने से या मुझे खुद को अपशब्द कहने से यदि किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो मैं ऐसा काम करूँगा, मैं बार बार करूँगा। हाँ, कभी पब्लिसिटी के लिए कभी आपके नाम का यूज़ करूँगा तो मेरे चेहरे पे आप जो करना होगा वो कर दीजिएगा, क्योंकि चापलूस इंसान का नाम संतोष रेणु यादव नहीं है। संतोष रेणु यादव एक स्वाभिमानी व्यक्ति का नाम है, चापलूस होता तो संतोष रेणु यादव यहाँ नहीं होता। मैं स्वाभिमानी हूँ इसीलिए मैं यहाँ हूँ, और बाकी मैं क्या कहूँ। चलिए, आप गाली दिलवाइए, कुछ भी कीजिए, वो सब आपके आशीर्वाद के रूप में मैं समझता हूँ, वो सब आपका आशीर्वाद है। जितने भी लोग कुछ भी बोलते हैं सब आपका आशीर्वाद है। पहले तो मैं ये समझता था कि चलिए आपको मालूम नहीं है,
शायद यही सच है कि आपको मालूम नहीं है तब आप ऐसा किए, लेकिन सबसे पहले भैया आपको सबसे पहला फ़ोन हमको तो बाद में आना चाहिए था, इंसानियत के तौर पे आपको पहला फ़ोन जाना चाहिए था तूफ़ान लाल यादव जी के परिवार वालों। और जब तूफ़ान लाल यादव जी जब अच्छे हो जाते भैया, उसके बाद आप मुझे जो क्लास लगाना होता, मुझे दो थाप मारना होता या मुझे जेल में डलवाना होता आप डाल देते, वो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन पहले आपको उनके परिवार वालों को फ़ोन करना चाहिए था। आपने ये भी बोला कि तूफ़ान लाल यादव का नंबर मेरे पास था। ठीक बता भैया, अगर आप चाह जाते तो आपको लगता है कि तूफ़ान लाल यादव का नंबर आपको नहीं मिलता? ये किसको बोल रहे थे आप, किसको मूर्ख बना रहे थे भैया? चलिए, लव यू आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी भैया को बदनाम कर रहे हो तुम, उससे कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम किन्हीं को बदनाम क्यों करेंगे, हम किन्हीं को बदनाम क्यों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं भैया कि हम किन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। उनका नाम है और उनका अपने मेहनत के बदौलत नाम है, ऐसा नहीं कि उन आज वो जहाँ पे हैं उसमें मेरा 1% भी योगदान है, ऐसा नहीं है। ये उनके मेहनत के बदौलत वो जहाँ भी हैं अपनी मेहनत के बदौलत हैं। और ये सच बात है कि लोग जितना मेहनत करता है, जो जितना मेहनत जिस लेवल का करता है उस लेवल का उसका नाम होता है। तो और वक्त होता है भैया, आप वक्त भी एक चीज़ होती है, वरना ऐसा नहीं कि कोई कलाकार ऐसा बोल दे कि हाँ हम कब मेहनत करते हैं। सब कलाकार मेहनत करते हैं, सब कलाकार अपने अपने जगह से अपने अपने स्तर तक बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक वक्त भी होता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिला है भैया, ये बातें भी समझनी चाहिए, बातें भी समझनी पड़ती हैं। बस और हम क्या कहें, बस जिनको जो समझना है वो समझें। और हम तो अभी भी आपको यही कहेंगे कि अभी भी बस भैया ईगो को हटा करके थोड़ा सा बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी हमसे बात करने की क्या ज़रूरत है, आपका और हमारा कोई लेवल ही नहीं आता है। अगर मानसिक रूप से बात करें भैया तो मेरे लेवल में आप नहीं हैं, और अगर आर्थिक रूप की बात करें तो आपके लेवल में मैं नहीं हूँ। तो दोनों में बहुत अंतर है भैया, मानसिक स्तर और आर्थिक स्तर, ये दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ पर कभी मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल में कोई मेल हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आर्थिक स्तर में हम एकाएक करोड़पति बन जाएंगे या अरबपति बन जाएंगे, या मानसिक स्तर में आप कभी संतोष रेणु बन जाइएगा। दोनों में बहुत अंतर है। करोड़पति बनना भैया एक अलग चीज़ है, वो भी उसमें भी एक अपना मज़ा होता है, लेकिन एक भिखारी बन करके मानसिक लेवल को सही करने का भी एक अपना मज़ा होता है भैया। मानसिक लेवल को भी उस लेवल पर ले जा करके रखने में उसमें भी बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। तो ठीक है, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप ही हैं, हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। चलिए, लव यू आपको। और हाँ, चल रहे हैं भैया, तो लव यू आपको, और आपको सलाम यहीं से, सैल्यूट। आप कुछ भी करेंगे मेरे लिए सौभाग्य होगा। और बस और हम क्या कहें, बस यही चीज़ें। कब है 26 जनवरी? आज कितना तारीख हो गया? आज आपको 24 हो गया। ओह, चलिए चलिए, 24 तारीख आज हो गया। ये देखिए भैया का कहना है, जितेंद्र भैया का, कि अगले 26 जनवरी की शुभकामनाएं दे दीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे गणतंत्रता दिवस की, क्योंकि इसी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। और आज मज़ा आ रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हैं तब है ना भैया, फेसबुक पर किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं खेसारी भैया के अनुसार। ओ सॉरी, हम नाम नहीं लेना चाह रहे थे, नाम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आ जाता है दिल की बातें, समझिए बड़े भैया, और कोई बातें नहीं होती हैं, इस बात को समझिए। और लोगों की जो भी चीज़ें हैं अलग चीज़ होती है, यहाँ से समझिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना ये जो दिखाई देता है ना भैया, कभी कभी आँख भी ख़राब हो जाता है। देखते हैं
जब ज़्यादा ये होने लगता है, आदमी मोटा होने लगता है, तो ये धीरे धीरे झपने लगता है, दिखाई कम देने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा। बाकी आपको लव यू, और कोई बात नहीं। जैसे किन्हीं का कहना है कि पहले तू ही गाली दिया, नहीं आप जैसे भैया तो अभी भी नहीं गाली दिए, ऐसा थोड़े है कि भैया अभी गाली दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो हम बोल ही रहे हैं कि हाँ भाई मैंने पहले मैं ही गाली दिया, ये बात तो हम अभी भी कह रहे हैं। लेकिन वो क्यों दिया, किस सिचुएशन में दिया, पहले मैं उनको 3 तारीख को 3 जनवरी को मैंने मैसेज कर दिया था कि भैया तो फाइनल यादव जी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप हो सके तो आप एक बार उनको कॉल कर लीजिएगा। उनका कहना है कि तुम्हारा नंबर ब्लॉक है तो मैंने वो मैसेज नहीं देखा। तो आपने मैसेज नहीं देखा तो आपको क्या लगता है कि आपने लाइव भी नहीं देखा, आपने लाइव भी नहीं देखा 3 तारीख से पहले जो आपके जो सिनेमेटोग्राफर जो थे, या मान लीजिए जो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे, क्या उन लोगों के थ्रू आपको पता नहीं चला? चलिए आपको जो भी लगा, जो भी लगा, आपका जो भी कहना है बिल्कुल सही है। आप बड़े भाई हैं तो बड़े भाई गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप माने ना माने, मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा पौधा तो मानता हूँ, एक छोटा सा पौधा मानता हूँ। ये आप क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप इसी तरीका को मैं यूज करूं, क्योंकि ये आखिरी तरीका था। मुझे लगा कि आप नहीं सुन रहे हैं, आपका कान बंद है, तो शायद मैं ये बातें बोलूं तो शायद आप जाग जाएं, सुन लें, और उसके बाद ही ऐसा हुआ। आपका कहना था कि ये भी बात कीजिए, अगर हमको पहले से पता चलता है कि तुमने गाली दिया है तो मैं अपने आदमी को नहीं भेजता। भैया सच्चाई यही है कि गाली देने के बाद ही आपका कान खुला है और तब आप आए हैं यहाँ पे, या आपके थ्रू जितने भी आदमी आए। चूँकि भैया अगर पहले अगर मालूम होता कि नहीं भाई ऐसा नहीं जाएंगे तो ये गलत चीज़ है, जाना चाहिए, अगर ये बात आप सोचते, आपको आपके दिमाग में मालूम होता तो आप पहले भी आ चुके होते। अगर ये बातें आपको होता कि नहीं भाई चलो उसने हो सकता है उसको जो भी कष्ट देना है हम बाद में उसको सजा देंगे, संतोष रेणु को, पहले उस आदमी के बारे में तो जान लो कि हाँ कैसा है। तो आप विदेश से आने के बाद सबसे पहले आपका कॉल उनके नंबर पे आता, अभी भी ऐसा तो आपके हर आदमी के पास उनका नंबर है, आप सबसे पहले उनको कॉल करते, उसके बाद हमको जितना कुछ बोलना होता आप बोलते। बस हम यही कहते हैं कि लव यू आपको और सैल्यूट आपको। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। बाकी ऊपर वाले सब देख रहे हैं, और एक बार पूरी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। बस बिल्कुल, थैंक यू, प्रणाम आपको, लव यू ऑल।